हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम कॉलिटोट्राइकम जो कि ड्यूटी माइकोटिना सब डिवीजन का सेकंड मेंबर है उसके बारे में स्टडी करेंगे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ऑल्टन एरिया के बारे में जाना था कॉलिटोट्राइकम इज ए पैरासिटिक वनजय जो प्लांट्स में एंथेरेक्नोज नामक डिजीज कॉज करता है इस डिजीज़ में प्लांट टिश्यू में हाइपोप्लासिया नेक्रोसिस और द दे टिश्यू डैमेज हो जाता है यदि हम कॉलिडम की पैथोजेनिक स्पीशीज की बात करें तो इस फंगस से शुगर किन में जूट में ज्वार में कुकुरट्स में मैंगो में इन्फेक्शन होता है और कई तरह के डिजीज़ हो जाती हैं क्लासिफिकेशन देखें तो इट बिलोंग्स टू यूमाइकोटा सब डिविज़न इज ड्यूटेरोमाइकोटिना क्लास इज कोलियोमाइसिटीज ऑर्डर इज मेलेनोकोनियल्स, फैमिली मेलिनोकोनियसी एंड द जीनस कॉलिटोट्राइकम स्पीसीज जो फैल्किटम है वो शुगर केन पर डिजीज उत्पन्न करती है रेड रोट ऑफ शुगर केन इज़ कॉज्ड बाई कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम red leaf spot of jar is caused by colitotrichum graminicola. anthracnose of jute is caused by colitotrichum corcorum. anthracnose of mango is caused by colitotrichum Gla spore these are few species. jo, sugar, jute, jar, cucurbits and mango per disease. उत्पन्न करते हैं ये देखिए ये कॉलिटोट्राइकम है और ये कुकुरबिटा की लीफ है जिस पर पैचेज जो हैं वो कॉलिटोट्राइकम एगे नेरियम के हैं इन्फेक्टेड लीफ है ये थैलस की बात करें हम कॉलिटोट्राइकम के थैलेस की तो इसका जो या कवक जाल होता है दैट इज ब्रांसड एंड दैट इज सेप्टेट हाइफ़ा थिन होते हैं दे मे बी इंटर सेल्यूलर और द इंट्रासेल्युलर यंगर हाइफ़ा थिन होते हैं पतले होते हैं और हाईलाइन कलरलेस होते हैं बट ग्रेजुअली जैसे जैसे वे मेच्योर होते हैं दे लुक डार्क कलर्ड एंड थिक दे गो थिक वो थोड़े थिक हो जाते हैं लेटर स्टेज में प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस हो जाता है एंड इनमें स्टोर्ड फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में पाया जाता है इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन ऑफ कॉलिटोट्राइकम इन शुगर केन लीफ ये देखिए फैल्केटम जो इसकी लीफ स्पीसीज है वो शुगर केन में रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिजीज कॉज करता है दिस इज कॉलिटोरकम ग्रेमिनिकोला इन लीफ ऑफ सार्कम ये बीन्स में एंथ्रेक्नोज है कॉज्ड बाय कॉलिटोट्राइकम दिस इज प्लांट ऑफ कुकरविटा ये मैंगो है ये स्पीसीज ऑफ स्ट्रॉबेरी एंथ्रेक्नोज ये भी कॉलिटोट्राइकम का इन्फेक्शन है स्ट्रॉबेरी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो कॉलिटोट्राइकम में इट दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉज बाय कोनीडिया एंड द क्लेम आइडो कोनीडिया जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड इन एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी दैट इज कॉल्ड एसडुलस मेच्योर हाइफर होस्ट एपिडर्मिस के नीचे इकट्ठा होकर एक डेंस मैट्रस नाम मैट्रस uh, की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं स्ट्रोमा में कई कोनीडियोफोर डेवलप होते हैं कोनीडियोफोर एपेक्स पर एब्सट्रक्शन के द्वारा कोनीडियम का निर्माण करते हैं मैनी टाइम्स कोनीडिया चेन में बनते हैं और कई बार सिंगल कोनिडिया बनते हैं इनके जब बहुत सारे कोनीडिया बन जाते हैं और मेच्योर हो जाते हैं तो होस्ट एपिडर्मिस फ्रक्चर हो जाती है और एसर एक्सपोज हो जाते हैं और कोनीडिया फ्री हो जाती हैं एसरुलस में कोनिडियोफोर फोर के अलावा कई लॉन्ग यहाँ पे देखिए लंबे लंबे जो सीटा है वो एसरुलस में विद द कोनीडियो फोर कई लंबे लंबे सेप्टेड डार्क ब्राउन हेयर भी प्रेजेंट होते हैं जो इंटरमिक्सड भी हो सकते हैं और प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में भी होते हैं दीज आर सीटे दी सीटा आर लॉन्ग सेप्टेड डार्क ब्राउन स्ट्रक्चर सीखे इधर मिक्सड विद अ कोनीडियो फोर और प्रोटेक्टिव कवर बनाते हैं ईच कोनीडिया इज ए क्रीसिन शेप्ड यहाँ पर कोनीडिया की शेप देख सक देख सकते हैं ईच कोनीडिया इज ए क्रीसिन शेप्ड और सिकल शेप्ड एंड दे आर हाइलीन कलरलेस होती हैं। दे आर यूनिसेलुलर इन स्ट्रक्चर कोनीडियम के में ऑयल ड्रॉपलेट प्रेजेंट होता है कोनीडियम रेन ड्रॉपलेट्स एंड एयर के द्वारा डिस्पर्स होते हैं फेवरेबल कंडीशन में दे जर्मिनेट एंड फॉर्म हाइफा यदि ये बहुत कम समय के लिए जीवित रहते हैं यदि जर्म यदि इन्हें सुटेबल कोई हो, होस्ट या सबस्टेटम नहीं मिलता है तो दे गेट डैमेज दे सरवाइव फॉर वेरी लिटिल टाइम ईच को निडियम जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स जम क्यू होस्ट की सरफेस पर एपिकल पार्ट ऑफ जर्म ट्यूब मेक्स एप्रिसोरियम एंड फ्रॉम एप्रिसोरियम वन और मोर पेनिट्रेशन ट्यूब्स आर डेवलप्ड पेनिट्रेशन ट्यूब होस्ट को पेनिट्रेट कर इन्फेक्शन करती है ये देखिए ये कोनीडिया की शेप है ये कोनीडियो फोर है ये होस्ट टिश्यू है यहाँ पे ये सीटें हैं ये ये एसरवलाई है जो हमने आपको बताया था कि इनमें एक स्ट्रक्चर एपिडेमिस के नीचे मैट्रिक्स नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है क्लेमाइडोस्पोज ये डीजा क्लेमाइडोस्पोज ये भी एसे रिप्रोडक्शन का एक माध्यम है अनफेवरेबल कंडीशन में हाइफर में सेप्टेट सेप्टा बनते हैं और क्लेमाइडो स्पोर्स का निर्माण होता है क्लेमाइडोसपोज आर थिक वॉल्ड ब्लैक और ब्राउन कलर्ड। दे आर फॉर्म्ड ऑन हाई फे इधर एट एपेक्स पोजिशन और इंटर पोजीशन। पोजिशन ये क्लेमाइडोसपोर जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होते हैं ये थिक थिक वॉल्ड होते हैं दे आर ब्राउन और ब्लैक इन कलर और जो कवक तंतु या हाइफा होता है उसमें सेप्टा बन जाता है और अनफेवरेबल कंडीशन में इन सेप्टा के बनने से क्लेमाइडोसपोज का निर्माण होता है यहाँ पे ये देखिए दीज आर कोनीडिया ट्रेवल बाय विंड और वाटर यहाँ पे ये सब्सट्रेटम पे कोनीडिया एडहर हो जाते हैं ए जर्म क्यूब डेवलप्स एपिसोरिया फॉर्म्स लीडिंग टू होस्ट पैनेट्रेशन ये एक ब्रीफ बायोट्राफी फेज है दिस इज थिन सेकेंडरी हाइफा फॉर्मड है यहां पर कोरिडिया और एसरवुलाई इन सीड्स प्लांट एवरेज और इन द सॉइल माइसीलियम है एसरवुलाई विद ब्लैक स्ट्राइल सीटे ये देखिए आप ये ऐसे रुलाई है विद ब्लैक स्ट्राइल सीटी प्रोड्यूस न्यूमरस कोनीडिया इट इज अबाउट कॉलिटू ट्राई कम पहले वाले लेक्चर में हमने ऑल्टर एरिया के बारे में पढ़ा था दे बोथ आर मेंबर ऑफ ड्यूटेरोकोटीना बोथ आर इम्परफेक्ट वनजाई वे आर सेक्सुअल स्टेजेज टोटली एबसेंट एंड ट्रिप्रोडक्शन बेसिकली एसेक्सुअल मैथड थ्रू कोनीडिया और क्लेमाइडोसपोज होता है थैंक यू